कहना क्या चाहती हो तुम? तुम मान क्यों नहीं लेते? ये तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी सौतन है, मेरी सौतन है। रवि, हे श्याम बाबा, उनके जाने के बाद बस आपका ही सहारा है। इस घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। शालू को बच्चा होने वाला है। आप शालू पर और इस घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अरे शालू, तुमने फिर झाड़ू उठा ली? अपना नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम मत समझाओ। जाओ अपना काम करो। बड़ी हूँ तुमसे, इसीलिए समझा रही हूँ। ऐसी हालत में जीने चढ़ना उतरना, भारी सामान उठाना, झाड़ू लगाना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ये सब काम ना करके तुमने कितने बच्चे जने हैं? और हाँ, मुझे उपदेश मत दो। मैं सब जानती हूँ कि तुम कितनी हितैषी हो मेरी और इस घर की। तुम्हारे इस घर में आते ही जेठ जी चल बसे, फिर भी आज तक यही बैठी हो अपना फन फैलाए। तुम्हारे इस घर में आते जेठ जी चल बसे, फिर भी आज तक यही बैठी हो अपना फन फैलाए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम मत समझाओ। ये सब काम ना करके तुमने कितने बच्चे जने हैं? और हाँ, मुझे उपदेश मत दो। मैं सब जानती हूँ कि तुम कितनी हितैषी हो मेरी और इस घर की। सविता, मुझे लग रहा है मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रवि मेरे भाई, तू कहीं मत जा, यहीं बैठ मेरे पास। सविता, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। रवि का और इस घर का पूरा ख्याल रखोगी। तुम्हें तो पता है ना, ये सालू से कितना प्यार करता है। इसकी शादी सालू से करवाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। सविता, तुम्हें तो पता है कि रवि का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे वादा करो सविता, तुम मेरे भाई को कभी अनाथ नहीं होने दोगी। मुझसे वादा करो, और कभी तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। आपको कुछ नहीं होगा जी, आप ठीक हो जाओगे। मुझसे वादा करो सविता, मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूँ, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, रवि को अनाथ नहीं होने दूंगी। तुम दोनों अपना ख्याल रखना।
भैया। भाभी क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे, कुछ तो बात है? कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम हाथ में धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। सालू क्या बात है, बाहर भाभी रो रही है और अंदर तुम ऐसे लेटी हो? काम करूं तो दिक्कत, आराम करूं तो दिक्कत, आखिर तुम देवर भाभी मुझसे चाहते क्या हो? मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम, आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है ये मत पूछो, हो क्या रहा है ये सोचो। रवि खाना खा लो, और शालू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम दोनों खाना शुरू करो, मैं और रोटियां लेके आती हूँ। ये झूठी हमदर्दी रहने दो, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। भाभी आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कई दिनों से देख रहा हूं ये सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं कर रही। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है जो ना तो ये मुझसे कह पा रही है और ना ही तुमसे। कुछ तो बात है भाभी जो सालों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है।
सालू सालू क्या बात है, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? जब तक तुम अपने मन की बात हमें नहीं बताओगी, हमें कैसे पता चलेगा? तुम दोनों जान बूझ कर अनजान बन रहे हो। तुम दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, दिखावे का। तुम समाज की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम मान क्यों नहीं लेते? ये तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी सौतन है, मेरी सौतन है। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? पत्नी है वो तुम्हारी। अरे पत्नी है तो कुछ भी कहेगी। भाभी, अगर आज ये बात इसके अलावा किसी और ने कही होती ना, तो मैं उसे जान से मार देता। किसी और को मारने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के बीच का काटा तो मैं ही हूँ ना, मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो। फिर तुम दोनों आराम से रहना एक दूसरे के साथ, फिर तुम दोनों आराम से रहना एक दूसरे के साथ। तू चुप हो रही है, करूँ चुप? रवि पागल मत बन, तू जा यहाँ से, मैं बात कर लूंगी इससे। शालू, एक औरत के मन में अगर दूसरी औरत के लिए गलत फहमी पैदा हो जाए तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो गलत फहमी दूर ना की जा सके। अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो तुम मुझे निसंकोच बता सकती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर की सुख शांति के लिए मैं अपने प्राण तक दे दूंगी, मैं अपने प्राण तक दे दूंगी। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। अब इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगी, और हाँ, एक घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, या तो तुम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाओ, या फिर एक घंटे के बाद मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या बात है रवि, कैसे परेशान से लेट रहा? कुछ ना यार, फैमिली प्रॉब्लम है। आ बैठ। बैठ तो गए भाई। क्या हुआ सालू भाई, तो ठीक है? अरे उसी का ये तो रोना है यार, बच्चे की डिलीवरी कभी भी हो सकती है और घर में औरत का होना बहुत जरूरी है। अरे यार वो इस बात को समझती। तू क्यों परेशान हो रहा, बड़ी भाभी है तो सही, सब संभाल लेगी। ये तो है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जो वादे किए थे आज मैं उन वादों को तोड़कर और ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। आपके जाने के बाद मैंने रवि को ही अपनी दुनिया माना, उसे हर वो खुशी देने की कोशिश की जो आप चाहते थे। मैंने शालू से उसकी शादी भी कराई, हर सुख दुख में उसका साथ देने की पूरी कोशिश की,
लेकिन पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई जो आज मुझे मेरी इच्छाएं तो आपके साथ ही मर गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में आपको दिए हुए वादे मुझे आज भी याद हैं। सविता, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। रवि का और इस घर का पूरा ख्याल रखोगी। आप चाहते थे कि आपके बाद मैं घर छोड़कर ना जाऊं। मैं नहीं गई। ये इतनी देर से कमरे में कर क्या रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गहने और रुपए भर के ले जाए बैग में? काम करती हूँ, चल के देखती हूँ। आपने कहा था मेरे बाद रवि को अनाथ मत होने देना। मैंने माँ बनकर रवि को प्यार दिया, पिता बनकर हौसला दिया, दोस्त बनकर उसका सुख दुख साझा किया, लोगों के ताने भी सुने, जिसने जो कहा मैंने सब सुना, लेकिन मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन आज मुझे मेरे अपनों ने ही ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ से रास्ते तो चारों तरफ जाते हैं लेकिन मेरी मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। अच्छा, ड्रामा कर रही है। मैं माँ ना बन पाई, ये दुख सारी उम्र रहेगा, मगर शालू के बच्चे को अपनी गोद में लेकर ये दुख मैं कम करना चाहती थी। जो लाड़ प्यार मैं अपने बच्चे को ना दे पाई, वो मैं उसे देना चाहती थी। मगर विधाता को तो कुछ और ही मंजूर है। हो गया तेरा ड्रामा? और क्या भर लिया थैले में? कपड़े हैं मेरे। अच्छा जी, कपड़े हैं इसमें? दिखा इधर। ये बोली इसमें पूरे घर का माल है। कपड़े बता दिए। भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए घर गए तो घूम आती हूँ। मगर भाभी, सालू की ऐसी हालत है, उसे कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ तो मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, और फिर तू तो है ही ना उसका ख्याल रखने के लिए। क्या हुआ भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? सालू ने कुछ कहा क्या?
सालू, क्या कहा तुमने भाभी से? वो घर छोड़ के क्यों जा रही है? मुझे क्या पता? और तुम क्या चाहते हो कि मैं उनके पैरों में पड़ के उन्हें जाने से रोकूं? अगर वो जाना चाहती हैं, तो उन्हें जाने दो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें कुछ बोला है, तो उनसे पूछ लो जाके अपने आप। भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी, और आप अंदर चलो। नहीं रवि, मुझे जाना ही होगा, और मेरे चले जाना ही ठीक है। तो ठीक है भाभी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं रवि, तू पागल हो गया है? शालू को तेरी जरूरत है, तेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। नहीं भाभी, आप मेरी केवल भाभी नहीं, मेरी माँ हो। और जहाँ माँ नहीं रह सकती ना, वहाँ बेटे का रहना कोई महत्व नहीं रखता। क्या हुआ रवि? रवि, लगता है शालू को दर्द शुरू हो गए हैं, जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो। चलो